हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग। तो जो डेटा हैंडलिंग होता है, इसका मतलब हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे कि हमने कोई सर्वे किया हुआ है कि भाई इतनी गाड़ियाँ 7 से 8 बजे के बीच यहाँ से निकली, उसमें से कितनी बाइक थी, कितनी कार्स थी, कितने ट्रक थे, कितनी बसेस थी, तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं। तो वो डाटा की टेबल बना लेते हैं, भाई बाइक्स हैं इतनी, कार्स इतनी, थ्री व्हीलर्स इतने, ये सारे अलग अलग उसको टेबल के अंदर लिख लेते हैं। तो वो तरीका है एक डेटा हैंडलिंग का, कि जो हमने पास बहुत सारा डेटा है उसको हम एक सीरीज में तो लिख नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, लंबा हो जाता है, तो उसकी टेबल बना के लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। तो एक डाटा हैंडलिंग में 2-3 बातें हैं, तो मैं एक को अच्छी तरह से आपको बताता हूँ, उसके बाद वैसे ही होते हैं सारे। जैसे इन मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेंड बाय 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट हैं। अब मैं ये लिख ही देता हूँ इसको अच्छी तरह से करने के लिए, 7 3 6 4 7 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 2 9 6 7 2 9 5 1 8 6 5 1 8 6 5 6 9 4 5 6 9 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 और उसके बाद है 4 2 8 6 4 2 8 6 और मैं आगे लिख देता हूँ 2 7 6 6 2 7 6 6। अब आपने ये 40 बच्चों के मार्क्स आए हैं, अरेंज द मार्क्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, इसको टेबल में रखना है। तो इसके बाद हमने एक टेबल बनानी है इस प्रकार, ये तो है, यहां लिखना है मार्क्स, यहां पे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां लिखना है टैली मार्क्स। तो ये आपने टेबल बनानी है। पहले हम लेते हैं नंबर 1, कितने बच्चों के हैं, 1 1 2, बस 2 के ही हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 2। 2 मार्क्स कितने के हैं, 1 2 3, आपने काउंट करने हैं इसमें से, तो 2 मार्क्स से 3 बच्चों के, 3 मार्क्स, 1 2 3, 3 मार्क्स है 3 बच्चों के, 4 मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 की, 5 मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बच्चों के, 6 मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 5 बच्चों के, 8 मार्क्स हैं, 1 2 3 4 4 के, इसको आगे बढ़ा देते हैं हम टेबल को, 9 मार्क्स हैं, 1 2 3 तीन बच्चों के, और 10 किसी का नहीं, 10 तो अभी देख नहीं रहा, कहीं नहीं है 10। तो ये अब इसको काउंट कर लो ताकि हमने ठीक गिने हैं, काउंट कर देते हो 40 होने चाहिए क्योंकि टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, 5 8 15 21 28 और 9 30 नहीं 28 और 9 37 और 3 40, 40 हो गए। टैली मार्क्स का तरीका सीधा है, एक है तो एक डंडा लगा देंगे हम, टैली मार्क्स हो गया, 2 ये 2 हैं, इसके टैली मार्क्स लिखने हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
तो दो डंडे लगा देंगे, तीन है तो तीन डंडे लगा देंगे, फिर तीन लगा देंगे, सात है, 1 2 3 4 5 सात लगातार नहीं लगाते, चार तक तो चार डंडे सीधे लगाते हैं, पांच है तो एक क्रॉस कर दो, 5 हो गया ये, पांच के बाद पांच तो ये हो गया 6 7 6 है तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर वही आ जाएगा, 5 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 ये तरीका लिखने, तो इस प्रकार टेबल बनती। तो मैंने एक टेबल पूरी अपने लिख के बना दी है, इसके बाद ये टेबल वाले आप खुद बनाए, तो जो भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर है, जैसे कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, लड्डू है, जलेबी है, जैसे मान ले कुछ समय है तो लड्डू लिख देंगे यहाँ पे आर्टिकल में, आर्टिकल लड्डू, नंबर ऑफ जो भी है, स्क्वायर है या जो भी वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। उसके बाद टेलीमार्क्स, एक है इसमें पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ क्या होता है कि पिक्चरें बनी होती है, जैसे मैं इसमें दिखाऊं, ये वाला है ट्रैक्टर बने हुए हैं इसमें, ये ट्रैक्टर है, विलेज है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो ये ट्रैक्टर है, विलेज है PCDE, तो जैसे 5 6 ट्रैक्टर है गांव में, तो 6 ट्रैक्टर के साथ वो बना दिए फोटो, तो ये क्योंकि पिक्चर बनाई हुई है तो ये पिक्टोग्राफ है। अच्छा, ये पहले वाले में एक दो क्वेश्चन और थे, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेंड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी 7 या इससे अधिक, तो हमने काउंट करने थे 7 या अधिक मार्क्स कितने बच्चों के हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेंड मार्क इक्वल टू 7 और मोर, तो देखो ये 7 है, ये 5 बच्चे थे, उसके बाद थे जो भी थे 8 और 3 5 8 3, तो इनको तीनों को ऐड कर देंगे, 7 से आगे आगे के तीनों ऐड कर देंगे, तो 7 जो 7 या इससे अधिक नंबर पूछ रखे हैं, तो 7 नंबर कितने के हैं, 5 के हैं, उसके बाद 8 9 तीनों बच्चों को जोड़ दो तो वो टोटल मार्क्स आ जाएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क बिलो 4, 4 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो ये है 4, 4 पे इक्वल नहीं है, लेस देन 4 लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन 4, तो 4 काउंट नहीं करना, 4 से कम वाले काउंट करने, तो ये 4 है, इनको छोड़ के इन तीनों को काउंट कर लेंगे 1 2 3 बार, तो ये है। तो ये पिक्टोग्राफ था, अब इस पिक्टोग्राफ के अंदर कुछ आपने ये हैं, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो इसमें मैं दिखा रहा था ये वाला, विच विलेज है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, सबसे कम ट्रैक्टर किस विलेज में है, तो ये सबसे कम 3 ट्रैक्टर है, 1 2 3 विलेज डी, तो इसका आंसर लिखेंगे विलेज डी। विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किस विलेज में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 ट्रैक्टर सबसे ज्यादा है, कौन से विलेज में है, विलेज सी। इसके बाद है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू बी, तो सी में बी की बजाय कितने अधिक ज्यादा ट्रैक्टर हैं, तो ये 8 हैं, ये 5 हैं, सी में 8 हैं, बी में 5 हैं, तो यही पूछा है सी में कितने ज्यादा हैं, तो 8 में से 5 कम कर दो, 3 बच गए, तो 3 ज्यादा हैं, आंसर 3 आएगा। और लास्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस, सभी 5 गांव में कितने ट्रैक्टर हैं, तो सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 ये 19 19 22 और 28, तो सारे ट्रैक्टर ऐड कर लेंगे तो सभी गांव में ये ट्रैक्टर दे, तो ये टोटल जो है ना आपका बिल्कुल ऐसे ही है, नीचे तक 7 क्वेश्चन है 7 तक। अब जैसे मैं देख लेता हूं ये, इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन ए पर्टिकुलर सीजन, यानी किसी विशेष सीजन में फ्रूट बास्केट है वो बेची है उसने, यानी टोकरी है जिसमें फ्रूट रखे हैं, तो देखो इसमें एक चीज आधी टोकरी लिख रखी है, देखो हाफ, ये तो पूरी पूरी है, ये हाफ है, तो हाफ का मतलब 1 2 3 4 5 and a half, 5.5 टोकरी ऐसे है, तो बस वही चीज है जैसे करनी है, मैंने हाफ के लिए बताना था, बाकी वही काउंट करना है। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, ये मर्चेंट के नाम है, ये नंबर ऑफ बास्केट है, तो रहीम ने तो 4 बास्केट बेची, लखनपाल ने 5.5 बेची, ऐसे ऐसे काउंट करना है, तो सबसे ज्यादा बास्केट किस मर्चेंट ने बेची, ये सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे मार्टिन ने सबसे ज्यादा बास्केट बेची, काउंट नहीं लिखना, केवल ये बताना किसने सबसे ज्यादा। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितनी बेची, 1 2 3 4 5 6 7 बास्केट आंसर आ जाएगा, 7 बास्केट। द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स
आर प्लानिंग टू बाई ए गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम? तो आपने वो मर्चेंट जो 600 या 600 से ये जो देखो इसमें एक चीज दे रखी है 100, एक इसका मतलब है 100 फ्रूट बास्केट्स, यानी एक जो डायग्राम है एक चित्र है इसका मतलब है 100 बास्केट। तो ये जैसे इसमें 5.5 का मतलब 550, 5.5 × 100 550, ये 400, 4 है तो 400, 4×100, क्योंकि एक जो ये डायग्राम है 100 बास्केट के बराबर है। तो ये कहता है 600 बास्केट से ज़्यादा किस किस ने बेची हैं, तो देखो ये 5.5 हो गया, ये बेची है 6 या 6 से 7 है, ये भी 8.5 के करीब है, ये भी 8 के करीब है, तो ये तीन जो मर्चेंट हैं इनकी 600 से ज़्यादा है, एक की 600, एक की 700 है, एक की 850 है, एक की 700 है, तो ये 600 से ज़्यादा है। तो तीन मर्चेंटों के नाम लिखने हैं, अनवर, मार्टिन एंड रंजीत, तो उनके नाम लिखने थे। तो ये आपने इसको पूरा करना है, तो ये पिक्टोग्राफ है, और अगले में आपने पिक्टोग्राफ खुद बनाना है, तो उसमें कल मैं बता दूंगा, चलो आज इतना ही कर लूँ, कल इसका जो है ना उस पार्ट को पिक्टोग्राफ में, या इसको भी आज ही कर लो क्योंकि अभी काम काफ़ी कम हुआ है, तो मैं इसको बता ही देता हूँ। तो ये पिक्टोग्राफ में बनाना, उसमें डायग्राम बनाना है आपने, जैसा भी आपसे बनता है, कोई ज़रूरी नहीं ट्रैक्टर बनाना है तो बिल्कुल ट्रैक्टर जैसा ही हो, लगभग वैसा ही हो। मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का टोटल, ए पार्टी लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, ईयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1996, 98, 2000, 2002, 2004, इन सालों में इतने स्टूडेंट थे, 400, 535, 472, 600, 620, ये स्टूडेंट है इतने सालों में। तो आपने प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल दिस टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट, यानी एक सिंबल 100 स्टूडेंट के बराबर है, ये सिंबल स्टूडेंट के नाम का देंगे, ये वाला इसका मतलब है स्टूडेंट इज इक्वल टू, इसका मतलब है 100 स्टूडेंट। तो हम यहां पे एक पिक्टोग्राफ बना देंगे इसमें इस प्रकार से, अब क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 आप लगा लीजिए, 6 लगा लीजिए, ऊपर नाम लिख देंगे और 6 खाने पिक्सल बनाने की। ठीक है, ये तो है ईयर्स 1996, 98, 2000, 2002, 2004। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसमें 400 है, एक ये डायग्राम 100 स्टूडेंट के बराबर है, तो 400 में कितने डायग्राम आएंगे, 4, 1, 2, 3, 4 हो गए। दूसरे में है, एक में 400 है, दूसरे में 535, तो अब देखो इसमें हमने क्योंकि ये बना रहे हैं तो 100 के लिए तो एक है, 5 तो पूरे हो ही जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे, लेकिन ये 35 हो रहा है, अगर ये 50 होता तो हम आधा बना देते। अब जो ये 35 है इसमें हमने क्या करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 50 से कम है तो इसको 50 से भी छोटा बनाएंगे हम, इसमें एक एक को हम छोड़ते चले जाएंगे, जैसे ये इसमें है तो 100 के बराबर है, तो अगर ये एक भी ना लगाए तो 20, एक लगा दे तो 40, दो लगा, जैसे ये हो गया 20, ये हो गया 20 के,
ये हो गया 40 के लिए, ये हो गया 60 के लिए, ये हो गया 80 के लिए और ये हो गया 100 के लिए। तो अभी इसमें ऐसा बनाएंगे क्योंकि ये 35 है तो 20 पूरा हो गया, एक तो 20 का है, दूसरा है 35। अब ये 35 है, ये 20-20 लेके चलते हैं, 20 पूरा हो गया और ये 20 थोड़ा सा कम हो गया। ये पूरी लंबी डंडी कर दी है 20 के लिए है और ये मान लो 15 के लिए, तो 20 और 15 35 तो ये हो गए, ठीक है। और बल्कि इसमें कहा गया है कि 20 का तो यही हो गया, अब 15 और लगाने हैं आपने, तो 15 का मतलब एक पूरा 20 के लिए होता है, तो इसको थोड़ा सा कर देंगे बस। अब ये 15 के लिए हो गया, तो 20 ये और 15 ये 35 हो गया और 500 ये 535। देखो इसको फिर देखिए, ये हमने लगा दिया है 20 के लिए, ये पूरा हो गया, अब ये 20 के लिए 20, 40, 20, 60, 20, 80 और 20, 100। लेकिन हमारे पास 35 लेने हमने, तो हमने एक तो पूरा लगा दिया 20 का, दूसरा 20 है ही नहीं, 20 से कम है, तो इसको थोड़ा सा पूरे की बजाय थोड़ा छोटा बजाय, तो इसका मतलब ये 50 हो गया। तो इस प्रकार से आपने इसको लगाना, तो बस ये ऐसे हिसाब कर देंगे। 2000 में जैसे दे रखे हैं, इसमें 2000 में 472, तो 4 तो पूरे हो गए, 72 है, तो मतलब यूं लगाओ कि 50 ये हो गया 20 के लिए, ये 40, ये 60, ठीक है। अब बच गए कितने, 20, 40, 60, 60 हो गए, ये 72 है, तो 12 और चाहिए हमें, तो 12 इस पूरे के बजाय थोड़ा कम लगा देंगे, अब ये 72 हो गए, ठीक है। तो अगला है 600 में, तो पूरा है सीधा 6 आ जाएंगे, 623 में है 600 पूरे, एक 20 का एक 3 का, तो 20 का मतलब ये है कि ये 20 का लगा के और थोड़ा सा गुना लगा देंगे, 23 हो जाएगा और 6 पूरे, क्योंकि 600 तो है प्लस 23। तो इस तरह से आपने ये दोनों एक्सरसाइज करनी।